वेलकम बैक बच्चों। हमको कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना है उसमें, ठीक है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में तीन चीजें हैं, एक हो गया आपका ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन, जो आप क्लास सिक्स सेवन्थ एट नाइन से पढ़ते आ रहे हैं, एक इन सर्कल और एक सर्कुम सर्कल। अब ये पूछेंगे सर्कुम सर्कल इन सर्कल क्या है। इन सर्कल मतलब ये ट्रायंगल के अंदर बनेगा, सर्कुम सर्कल मतलब ट्रायंगल के बाहर बनेगा, ठीक है। और ट्रायंगल जो हमने देखा है, ये दो टाइप का ट्रायंगल बनेगा, एक गिवन ट्रायंगल से बड़ा बनेगा, ठीक है, एक गिवन ट्रायंगल से बने बड़ा बनेगा, दूसरा गिवन ट्रायंगल से छोटा बनेगा, इस तरह से, ठीक है। तो दो टाइप का, एक बड़ा बनेगा, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, दूसरा छोटा वाला बनेगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से दो टाइप का ट्रायंगल बनेगा, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल जो दिया हुआ है उससे। तो इस तरह से हमारा चार कंस्ट्रक्शन है, चार में से एक क्वेश्चन गारंटीड है 100% आएगा ही एग्जाम में। तो हम चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं आता हूँ आपके पेज नंबर 316 में, एग्जाम ट्राई दिस, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा एक एक दो, ताकि आप घर में प्रैक्टिस करें। तो पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दीजिए, सेकंड से बताता हूँ फर्स्ट, क्योंकि 5.8, ठीक है, 5.8 है तो 5.8 उसको भी कर देते हैं, ठीक है। 5.8 सेंटीमीटर है, सॉरी 5.8 सेंटीमीटर आपको लाइन खींचना है सबसे पहले, तो ठीक है। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, 3:4 में डिवाइड करना है लाइन सेगमेंट 5.8 सेंटीमीटर को। 5.8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है और 3:4 में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो बड़ा नंबर यहाँ पे कौन है, 4 है, ठीक है। 3:4 का मतलब है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4, ओके। तो नीचे का नंबर कितना है, नीचे ऊपर जो बड़ा होगा उतने पार्ट यहाँ पे करना होगा हमको, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इसका एक्यूट एंगल, ठीक है, इसको दो टाइप से बता रहा हूं मैं, अब इसको ऊपर लेते हैं, इसको नीचे लेते हैं, ए बी, और ये ए वन हो गया, ये भी ए वन हो गया, ए बी। आप पॉइंट बी में भी ले सकते हैं, क्वेश्चन आएगा कि सर इधर क्यों नहीं ले सकते, इधर भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वही होना चाहिए, प्रोसेस शुड नॉट बी डिफरेंट, प्रोसेस वही आना चाहिए जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम 3/4 लेंगे तो बड़ा नंबर कितना है, 4 है, तो हम ध्यान रखेंगे यहां से ए डेज तक कितने पार्ट्स करेंगे, 4 पार्ट्स, ठीक है। तो चलिए करते हैं 4 पार्ट्स, बिल्कुल पॉइंट्स है, क्योंकि मेरा यहाँ पे चौक से का है, तो चौक का क्या होता है उतना अच्छे से नहीं आता है, चौक और ये राउंडर अलग है, चौक अलग है, मुझे सेंटर पॉइंट एग्जैक्टली नहीं मिलता है इसमें, है ना, कटिंग अच्छे से नहीं होगा, कटिंग में भी सही पॉइंट नहीं मिलेगा। आपकी कॉपी में पेंसिल से कराओगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा, ए टू, ठीक है, ए थ्री, और लास्ट आएगा ए फोर। ये हो गया ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ये भी उसी में काम आएगा ना, हमारे ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में काम आएगा, ये वन, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट कितने हैं, 4, और ऊपर वाला कितना है, 3 है, तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो है, रिक्वायर्ड लाइन क्या है, अब क्या बोला है, AC by CB, ठीक है, AC by CB,
क्या बोला, 3:4, तो टोटल पार्ट इसमें 7 है जो मैं फ्रीजर सीटों बता दिया हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग 5.8 वाला, ठीक है, इसको क्या करना है, टोटल AC बाई CV मीन्स ये दोनों साइड्स का रेशियो 3:4 है, तो 3:4 मतलब आपको टोटल 7 पार्ट करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो 7 पार्ट करेगा इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ओके, जो प्रीवियस वीडियो में बताया उस तरह से करिएगा, तो उसको इस तरह से करेंगे, फिर ये 7 पार्ट हो जाएगा ना, A5 इस तरह से, A6 और A7, 7 पार्ट को आपको मिलाना है, ठीक है। और ये थर्ड पार्ट को इधर एंगल बताया था अभी, ठीक है, इसको आर बनाइए यहाँ पे, इस तरह से आर बनाइए, वही A3 में भी बनाना है आर्क, ठीक है। आप एंगल को मेजर कर लीजिए यहां से, एंगल को नापेंगे, ठीक है, तो जाएंगे उसको इस तरह से नापेंगे, यही एंगल यहां भी बनाएंगे, A3 के पास, A2 के पास, इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपका लाइन है, दोनों बिल्कुल पैरेलल दिखेगा, ठीक है, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा समझ लीजिए, समझ जाइए कहीं गड़बड़ हुआ है। अब हमको ये चेक करना है कि 3:4 है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, सब में उतना एंगल बनाते हैं, ठीक है, इतना जो एंगल है, ऐसा करके यहाँ पे नापे थे ना, ठीक है, यहाँ पे नापे थे, इसको रखते रखते जाइए, यहाँ से था ना आर्क, तो सब में आर्क बनाना पड़ेगा आपको, सब में आर्क बनाइए, सबसे पहले जो आर्क लेंथ यहाँ पे लिए थे वही लेना है, ठीक है, यहाँ पे आर्क बनाइए, इस तरह से सब जगह आर्क बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें फिसल रहा है, आपकी कॉपी में अच्छे बनेगा, ये बना हुआ है, ये बना लीजिए तरह से, फिर ये बना लीजिए, ठीक है, इसमें नापते जाइए, तो इस तरह से ये जुड़ते जाएगा, ठीक है, ऐसे पैरेलल लाइन आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बनाने में, ये इधर आएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये कितना पार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, इस लाइन के पहले 4 पार्ट, इस लाइन के बाद 3 पार्ट्स, ठीक है, तो AC के बीच में 3 पार्ट्स हैं और CB के बीच में 4 पार्ट्स है, ठीक है। AC और CB के बीच में टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3 और 4, ठीक है, आगे समझ में, और क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है, और बता रहा हूँ मैं, एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कैसे करना है। AB लाइन लेंगे, एक्यूट एंगल में नीचे एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब एक्यूट एंगल में ड्रॉ करेंगे तो इसको गिवन कंडीशन के हिसाब से 3:4 दिया, ये एक्चुअली हमारे पास ये ऐसा दिया हुआ है, AC/CB, ठीक है, ऐसा दिया हुआ, इसलिए हमको वैसा करना पड़ा, टोटल पार्ट है जो हमने क्लास 7 में किया था, ठीक है। तो हम AC और CB जब लेंगे तो ये टोटल क्लियर कितना होगा, AC+CB 3+4 कितना होगा, 7, ठीक है, इसलिए हम 7 पार्ट्स में डिवाइड किया उसको, ओके। तो इसको छोटा छोटा आर्क लेते जाना है, इक्वल आर्क्स, 7 इक्वल आर्क्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर इसको जोड़ देना 7 वाला, फिर एंगल नाप के इस तरह से जाते जाएगा, ठीक है। इसको नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा एक बार, ओके, ऐसा बनेगा शेप, नीचे से करते हैं, जरूरी नहीं है छोटा भी हो सकता है, इसको आप छोटा ले लीजिए, आर्क छोटा ले लेगा तो छोटा बनेगा, ठीक है। आर्क मैंने बहुत बड़ा बना लिया है, ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर, इसलिए इतना बड़ा है, 1 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे तो और छोटा छोटा आता जाएगा, ठीक है, और छोटा लेंगे तो और छोटा आएगा, तो आर्क हो सकता है आप छोटा लोगे इतना ही में समा जाए, ऐसा आ जाए, लेकिन इसमें पूरा कंजस्टेड भी होगा, ऐसा करके ऐसा आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7 पार्ट्स हो गए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो लाभ मिला है इसमें,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया, एक एक ज्यादा हो गया। ठीक है, टोटल 6 लाइन खिंचाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, हाँ 7 पार्ट हो गए, 7 पार्ट में करना है। ओके ठीक है, तो 6 लाइन होना चाहिए अंदर में, आखिरी दोनों लाइन के बीच, इसके और इसके बीच में 6 लाइन। ठीक है, पॉइंट के बीच में टोटल कितना पार्ट्स होगा, 7 पार्ट्स। ओके नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, जो हमारा पहले किए थे उसी का रिवाइंड था। कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट विच इज 7/5 बाई एनी अदर लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किए, अब हमको ऐसा लाइन सेगमेंट बनाना है जो इसका 7/5 हो। ये अगर 5 है तो अगला वाला कितना हो जाए, 7 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए डिस, यहाँ कितना पार्ट करेंगे, बड़ा नंबर कौन सा है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। राउंडर से ऐसे करोगे, हाँ से नहीं कर देना है, राउंडर से 1 2। ठीक है, इस तरह से 1 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इससे किया हुआ 1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। A7 को आपको ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, क्यों ज्वाइन नहीं करना है, आपका दिया हुआ क्वेश्चन 5 वाला है, तो आपको किसको ज्वाइन करना है, A5 को। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर दीजिए डॉटेड लाइन से। ठीक है, स्केल यहाँ रखिएगा, स्केल ऐसे रखिएगा, स्केल ऐसे रख के इसको एक्सटेंड कर देना है आगे तक। ठीक है, जहां तक भी जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल मेजर करेंगे, जब ये बड़ा होता है, सामने बड़ा होता है ना, तो इस तरह से करना है। ठीक है, एक आर्क बनाएंगे, यहाँ पे भी आर्क बनाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहां से एंगल मेजर कर लो, किसी भी तरफ से कर सकते हो आप, इधर करना है इधर भी कर सकते हो, इधर करना है इधर कर सकते हो। देखो ये हो गया, यहाँ से नाप लिए ऐसा, तो इसको ज्वाइन कर लो, ये पैरेलल आए वही है ना, तो ये हो गया बी डैश, तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन क्या है, ए बी डैश, ए बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, आया समझ में, ये एप्लीकेशन होगा हमारे जब ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज वन भी करा देता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज वन में है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो लाइन सेगमेंट वाला है तो इसलिए नहीं कराया हूँ। ओके, इसको मैं बाद में ओरली करा दूंगा, मेन कंस्ट्रक्शन पार्ट ये है, एक्सरसाइज टू से है। ठीक है, इसलिए इसको करा रहा हूँ। ओके, ये समझ में आ गया होगा, स्टेप्स भी लिखना होता है, स्टेप्स आप जो करते जाएंगे उसी को लिखते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 1। ओके, ट्राई दिस ज्यादा नहीं करते, ट्राई दिस करना तो ट्राई दिस करा देते हो, बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई इसका है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, 68 डिग्री। ठीक है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच ए बी इज इक्वल टू 2/5 ऑफ पी क्यू। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल पी क्यू है, ए बी है, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो पी क्यू बाई, या सिंपल समझने के लिए देखो, ए बी हमारा बनेगा। ठीक है, तो ए बी छोटा होगा। ठीक है, ध्यान रखिए,
जो साइड हमारा यहाँ पे दिया है ए बी पी क्यू आर दिया हुआ है, तो पी क्यू 5 गुना है, ए बी 2 गुना है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो हम जो है उसके हिसाब से, अब इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ में, जरूरी नहीं कि जो ऊपर दिया वो छोटा बनाना है या नीचे बनाना है, जो बनाना है उसके सामने नंबर कौन सा है वो डिपेंड करता है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिया है उसके हिसाब से हम रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, अब देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना सबको आ जाएगा। क्यू आर आप लिए 6 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिए, या पी क्यू 5 सेंटीमीटर ले लें, क्यू आर आप स्केल से नाप के करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन पी क्यू दिया है, पी क्यू कितना है, पी क्यू आर एंगल दिया है, इसलिए हमने क्यू आर लिया हुआ है, पी क्यू भी ले सकते हैं क्योंकि क्यू आर दिया है, पी क्यू ले रहे हैं, पी क्यू ले लेते हैं, चलिए पी क्यू लेते हैं क्योंकि पी क्यू दिया है ना, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू आर दिया 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए, ठीक है, प्रोटेक्टर से बना लेना, पी क्यू आर 60 डिग्री, फिर क्यू आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो क्यू आर 6 सेंटीमीटर इसको ज्वाइन कर दीजिए आर, ये हमारा दिया हुआ ट्रायंगल है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अब इसमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल, तो एक एक्यूट एंगल यहां से ले लीजिए, ठीक है, ओके, एक्यूट एंगल एक ले लीजिए। अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, बड़ा कौन सा, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, P1, P2, P3, P4, P5, तो P5 आप 5th पार्ट को ज्वाइन कर दो क्योंकि PQ का ही है, ठीक है। अब इसका एंगल मेजर करके आर्क बनाइए दोनों जगह पे, ठीक है, ये आर्क से करना है, ऐसा नहीं हाथ से नहीं करना है, आर्क से करना है इसको, यहाँ पे आर्क बनाइए, एंगल इस तरह से आर्क बनाएंगे, और टू पे, तो टू पे आर्क बनाइए इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ बना है, ठीक है, इसको मेजर करेंगे एंगल को, एंगल को नापने के लिए आपको इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से कट कर रहा है, वहाँ पे भी कट करना चाहिए उसी सेट में, ठीक है, तो ऐसा कट कर रहा है, तो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट, इसको अगर हम ए लें तो ये हो गया बी, ठीक है, आप यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे बनाएंगे, मतलब यहाँ पे 60 डिग्री बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इसको नापने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो हम 60 डिग्री बनाएंगे। अब ये ऐसा करके ये हो गया, ये 60 डिग्री बन जाएगा, तो इस तरह से ऐसे ले लिए, तो ये हो गया सी, ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन दोनों सेम टाइप का होता है, अगर 5/2 होता तो हम बड़ा वाला करते, मतलब ए बी 5 और पी क्यू 2 होता, तो ये इसकी जगह ये इधर ज्वाइन होता, ठीक है, ऐसा ज्वाइन होता, फिर ऐसा करके बड़ा बनता है, ठीक है। अब 5/2 केस होगा, ए बी बाई पी क्यू, तब क्या होगा, पी क्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू हमको दिया हुआ है, तो हम 2 को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अब ये एंगल इधर बनाएंगे, तो ऐसा करके एक्सटेंड करके जाएगा, तो ये ए तो यही होगा, बी, ठीक है, ये बी नहीं होगा, बी यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ भी बनाएंगे इस तरह से, यहाँ 60 दिया है,
यहाँ भी 60 बनाएंगे और इसको भी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। जब ये होगा तब ये ट्रायंगल बनेगा और ये इस कंडीशन में ये ट्रायंगल बनेगा, बस इतना ही फर्क आता है। लेकिन आपको साइड्स दिया हुआ साइड्स और कौन सा रिक्वायर्ड ट्रायंगल का साइड्स है उसको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज है उसको ध्यान देंगे। ये कंस्ट्रक्शन भी आसान है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपका ये चैप्टर का बाकी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाए, है ना। ये अभी ये दोनों को एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत है, एक्सरसाइज टू आप लोग करिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज टू कंप्लीट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो भेजूंगा मैं उसमें आपका एक्सरसाइज थ्री का इन सर्कल सर्कुम सर्कल कंप्लीट करा दूंगा, ओके। तो कॉन्सेप्ट किसी को अगर समझ में नहीं आया, किसी को कोई कंफ्यूजन है, दे कैन आस्क मी, ठीक है। तो मैं पेज में आपको करके बता दूंगा इस बार, ओके। तो पेज में आपको समझ में आएगा, जबकि बोर्ड बॉडी होता है कंस्ट्रक्शन का, मैं कोशिश करूंगा पेज से बता दूं अगर आपको दिक्कत है तो, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।